मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस तेज रफ्तार से भागती हुई व्यस्त दुनिया में समय एक क्षण के लिए भी स्थिर नहीं रहा है, परंतु इसमें असाधारण रूप से परिवर्तन आया है। अपनी बनाई हुई इस दुनिया को देख मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि मैंने इसे कितने सुंदर स्वरूप में बनाया था और अब ये क्या बन गई है। तकनीकी साधनों के छोटे से दायरे में जाल में फंसे हुए मानव की तरह तुम अंततः अपार दुखों में जिए जा रहे हो। तुम्हारी इस दुख भरी दास्तान को सुनकर मैंने तुम्हारे समीप आने का फैसला किया, इस अपेक्षा के साथ कि शायद तुम मुझसे बात करना चाहोगे, मुझसे बातें करो। जब तुम नींद से जागे मैंने सोचा शायद तुम मुझे गुड मॉर्निंग कहोगे, पर तुमने तो अपनी पत्नी से गुड मॉर्निंग कहा। मैं इंतजार करता रहा कि शायद तुम अपने बीते हुए दिन की कुछ खास बातें मुझे बताओगे और आने वाले दिन के लिए कुछ मार्गदर्शन लोगे, परंतु तुम अपने सुबह के कामकाज में ही व्यस्त रहे। तुम अपने लिए योग्य कपड़े चुनने में इतने व्यस्त थे कि तुम्हें यह पता भी नहीं चला कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। मैं तुम्हें देख रहा था कि कैसे तुम अपने दिन भर की जरूरी चीजों को बटोरने में लगे थे और मेरी तरफ तुम्हारा ध्यान जरा भी नहीं था। तुमने एक बार भी मुझसे बात नहीं की, मैं बस इंतजार करता रहा। फिर तुम अपने नाश्ते के लिए तैयार हुए। मैंने अखबार के द्वारा तुम्हें अपनी याद दिलाई, परंतु यहां भी तुमने मेरी तरफ गौर नहीं किया और आसपास की दुनियावी बातों में ही अधिक रुचि ली। नाश्ते के बाद मैंने सोचा शायद अब तुम्हें मेरे लिए कुछ समय मिलेगा। तुम अपनी चीजों को ढूंढने में व्यस्त थे, मैं इंतजार करता रहा। तुमने अपनी पत्नी तथा बच्चों से विदाई ली। अब लग रहा था कि तुम्हें अपने लिए शायद कुछ समय मिलेगा। मैंने सोचा कि अब तो तुम मुझसे अवश्य बात करोगे। मुझे बड़ा अच्छा लगा जब मैंने देखा कि तुम मेरे करीब आते जा रहे थे। तुम्हारे सेलफोन ने तुम्हारा ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। तुम भूल गए थे न केवल मुझे परंतु सड़क यातायात के सुरक्षा नियमों को भी। तुम फोन पर बातें करते करते ही गाड़ी चलाते रहे और मैं तुम्हारे सुरक्षित पहुंचने की कामना करता रहा। मैं सोच रहा था कम से कम अभी अपना काम शुरू करने से पहले तो मुझे अवश्य याद करोगे। मैं इंतजार में था, परंतु तुम तो तुरंत ही काम में व्यस्त हो गए। तुम अपने बिजनेस के कारोबार में बिल्कुल ही खो चुके थे। अपने ग्राहकों से मिलते रहे, समस्याओं को सुलझाते गए। और उसके कारण
तुमने अपना आपा खो दिया। मैं बड़े धीरज से इंतजार करता रहा। अभी भोजन का समय है। जब तुमने भोजन कक्ष में प्रवेश किया, तुमने अपने एक कर्मचारी को मुझसे बातें करते देखा। मैंने सोचा, उसे देखकर कम से कम तो मुझे अवश्य याद करोगी। भोजन खाने के पहले तुम मुझसे बात करोगी, ये मेरी अपेक्षा थी। फिर भी तुमने मेरी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। सिर्फ मेरी तरफ नहीं, पर अपने भोजन पर भी तुम्हारा ठीक से ध्यान नहीं था। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी भी तुम्हारा दिन पूरा तो नहीं हुआ। मैं बड़ी उत्सुकता भरी दृष्टि से तुम्हारी प्रतीक्षा करता रहा। और तुम ऑफिस से बाहर निकल गए। जब तुम्हें ट्रैफिक सिग्नल पर रुकना पड़ा, तो मैंने सोचा कि अभी तुम मुझसे बात कर सकते हो, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुम्हारे घर पहुंचने पर मैंने सोचा कि अब शायद तुम्हें कुछ वक्त मिलेगा। ऐसा लग रहा था जैसे कि तुम्हें बहुत कुछ कार्य करने हैं, परंतु तुमने तो समय को गेम खेलने में ही बिता दिया। तुम्हारे कुछ गेम्स खेलने के बाद मैंने सोचा कि तुम्हें अब मेरे लिए समय अवश्य होगा। फिर से मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। तुमने टीवी चलाया, क्या देखना है इसके बारे में निर्णय ना कर पाने के कारण तुम दिन का बहुत सारा समय टीवी के सामने बिताते रहे, बिना कुछ सोचे टीवी के चैनल्स बदलते 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 रहे। मैं फिर भी धैर्यता से इंतजार करता रहा, तब तक जब तक तुमने अपने रात्रि का भोजन टीवी के सामने बैठकर पूरा नहीं कर लिया। अब सोने का वक्त है। तुम अपने बच्चों के सो जाने के बाद उन्हें सहलाने आए। अभी तो कम से कम मेरे पास आओगे, ऐसा मेरा ख्याल चल रहा था। तुम अपने पलंग पर अच्छी तरह जगे हुए थे। नींद को लाने के लिए तुमने कुछ पढ़ना आरंभ किया, कम से कम तब, किंतु तुम सो गए। मैं सिर्फ तुम्हें यह एहसास दिलाना चाहता हूं कि मेरे साथ अगर तुम थोड़ा सा भी समय बिताओगे तो तुम्हारे जीवन में जो बोझ है वो हल्का हो जाएगा और जीवन में खुशियां भरती जाएगी। तुम मेरे बच्चे हो, मुझे तुमसे बेपनाह प्यार है। हालांकि तुम तो मेरी तरफ देखते तक भी नहीं हो, कमाल है ना तुम्हारी। हां, तुम्हारा यह दिन कारोबार से काफी व्यस्त था। तुमने अपना समय हर एक को दिया सिवा एक मेरे। जरा सोच के देखो कि तुम्हारा दिन अधिक सरल, स्पष्ट, आत्मविश्वास से और धैर्य से भरा हुआ हो और जीवन भी अधिक अच्छा एवं शांतिपूर्ण हो। यही होगा हम दोनों के बीच की संवाद। परंतु संवाद एक तरफा नहीं हो सकता, इसलिए मुझसे बातें करो। मैं तो सदा ही तुमसे प्यार करता रहा हूं और करता रहा।
तो मुझसे किसी भी समय बात कर सकते हो। मीठे बच्चे, तुम मुझे कई जन्मों से ढूंढ रहे हो। अब मैं स्वयं भगवान तुम बच्चों को ढूंढ रहा हूं। इस मूल्यवान क्षण के महत्व को जानो, मुझसे बातें करो।